हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नव भारती परिवार में। मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ट्वेल्थ की केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट की है और आज जो चैप्टर मैं लेने वाली हूँ वो चैप्टर फिफ्थ है। इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, अगर मैं बात करूं सरफेस केमिस्ट्री की तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में या फिर आरबीएसई में बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं। या तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर डिफरेंस के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक आप बताइए दो चीजों में क्या डिफरेंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर अच्छा है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्या हम इनके अंदर पढ़ने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम डील करेंगे, हम पढ़ेंगे जो सरफेस फिनोमिना होता है उसके बारे में। ठीक है, सरफेस पे जितने भी फिनोमिनन्स हो रहे होंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। दूसरे अगर मैं बात करूं तो हमें पढ़ना होगा एडसॉर्प्शन के बारे में। यहां मैं लिख रही हूं एडसॉर्प्शन, देखिए एडसॉर्प्शन। ठीक है, अब एडसॉर्प्शन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ना है हमें? एब्जॉर्प्शन, हमें एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। अब देखिए दोनों में सिर्फ ए और बी का, सॉरी डी और बी का अंतर है, यहां डी और यहां पर बी, लेकिन ये अंतर इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊंगी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन मैं आपको पढ़ा दूंगी तो आपके लिए एडसॉर्प्शन को समझना यानी एडसॉर्प्शन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। पहले एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले इसकी जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो बताऊंगी, आफ्टर देन हम इसके एग्जांपल्स पिक करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है इट इज द फिनोमिनन इन विच वन सब्सटेंस एंटर्स इनटू अनदर सब्सटेंस एंड गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अनदर सब्सटेंस। ये तो हुई भारी भरकम डेफिनेशन, इसको इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं। देखिए अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की तो इसका मतलब होता है जहां पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाकर उसमें अच्छी तरीके से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर जगह जो है फैल जाता है और पूरी तरीके से फैलता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाती हूं। देखिए मैं मान लेती हूं, सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको समझाती हूं, गुलाब जामुन होता है। ठीक है, जब वो सूखे गुलाब जामुन होते हैं जिसको हम बनाते हैं और चाशनी में हमने उसे अभी तक नहीं डाला है। ठीक है, सपोज करिए गुलाब जामुन है, सूखे गुलाब जामुन है, चाशनी में हमने अभी तक उसके अंदर नहीं डुबोया है। तो चाशनी एक सब्सटेंस है, सूखे बिना चीनी के गुलाब जामुन एक सब्सटेंस है। मैंने क्या किया, चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को डाल दिया, तो क्या करेगी वो चाशनी पूरी तरीके से गुलाब जामुन के अंदर चली जाएगी, मिक्स हो जाएगी पूरी जगह पे और वो डूब जाएगा और पूरा उसको सोख लेगा। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, एब्जॉर्प्शन का। मतलब कि उसने क्या किया, यहां पर दो सब्सटेंस है, पहला सब्सटेंस हो गया गुलाब जामुन, दूसरा सब्सटेंस हो गई चाशनी। तो जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर जाकर पूरी जगह फैल गई उसके अंदर, और गुलाब जामुन ने भी क्या किया, चाशनी को अच्छी तरीके से सोख लिया। ठीक है, पहला एग्जांपल तो ये एब्जॉर्प्शन का। दूसरा एग्जांपल होता है स्पॉन्ज, जानते हैं ना आप स्पॉन्ज, जिससे हम काफी बार बोर्ड को मिटाने के लिए भी काम में लेते हैं स्पॉन्ज, डस्टर नहीं स्पॉन्ज जो होता है। अगर मैं उस स्पॉन्ज को पानी के अंदर डाल दूं तो क्या होगा, पानी पूरे स्पॉन्ज के अंदर चला जाएगा और स्पॉन्ज को जब हम बाहर निकालेंगे तो वो पूरी तरीके से गीला होगा, एकदम सोख लिया होगा उसने पानी को। ठीक है, वो भी क्या एग्जांपल है, एब्जॉर्प्शन का। अब क्या होता है एब्जॉर्प्शन में, होता है कि जो स्पॉन्ज को, स्पॉन्ज के अंदर जो पानी गया था वो पूरी तरीके से गया था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसके सरफेस यानी सतह सतह पर वो पानी था, ऐसा नहीं था। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पूरी तरीके से जो है पानी ने जो अपना स्पॉन्ज था उसको ढक लिया या स्पॉन्ज ने पानी को सोख लिया। ठीक है ना, ये हमारा हुआ एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एडसॉर्प्शन की, अब आपको इजीली समझ में आएगा।
तो देखिए अब हम बात करेंगे एडसॉर्प्शन की। एडसॉर्प्शन, देखिए एडसॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन में तो क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि जो वो पर्टिकुलर एक सब्सटेंस था, जो वो स्पॉन्ज था ना, उसने पूरी तरीके से पानी को सोख लिया। सिर्फ उसके सरफेस पे पानी नहीं था, पूरी तरीके से अंदर तक पानी था। लेकिन एड्सॉर्प्शन ये क्रिया होती है जो कि सरफेस फिनोमिना होता है। सिर्फ एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस जो होगा वो दूसरे सब्सटेंस को जब सोखेगा या जब अट्रैक्ट करेगा या जब उसके पास मिलेगा तो सिर्फ वो उसके सरफेस पे ही होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मैं जब इस बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, सपोज मैं जब इसके अंदर लिख रही हूँ, तो ये प्रक्रिया हुई सरफेस फिनोमिना, मतलब मैं इसके सरफेस पे लिख रही हूँ। ये हमारा एक सब्सटेंस है मार्कर, ये बोर्ड हमारा दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सरफेस केमिस्ट्री लिखा, एड्सॉर्प्शन लिखा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब मैं इसके अंदर सपोज करिए मैं लिख रही हूँ सब्सटेंस, ठीक है ना, ये जो मैं लिख रही हूँ ये क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन की प्रक्रिया है। इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ सरफेस पे कर रहे हैं, बोर्ड के अंदर जाके हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जब अगर सपोज करिएगा यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ये रहा, ठीक है। अब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पानी की बूंदें नहीं जा सकती, ठीक है। मान लीजिए ऐसी मॉलिक्यूल है, तो जो पानी की बूंदें मैंने यहां पर बना ली, उसके आसपास क्या है, पानी की बूंदें बना ली, ठीक है। अब आप देखिएगा जो ये पानी की बूंदें हैं, मैं एग्जांपल लेकर सपोज करके आपको समझा रही हूं, ये पानी की बूंदें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पर ही अटैक करेंगी, ठीक है, सरफेस पे अटैक करेंगी, है ना, इसके अंदर नहीं जाएंगी, अंदर नहीं जाएंगी, सिर्फ इसकी सरफेस गीला होगा। मान लीजिए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पानी जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताऊंगी, इसके बहुत सारे एक्शन भी बताऊंगी, कहाँ कहाँ एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पानी जा नहीं सकता है और वो पानी सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन, जहां पर कि सिर्फ प्रोसेस कहां होता है, सरफेस पे ही होता है। मैं इसकी आपको एक फंडामेंटल डेफिनेशन भी अभी लिखवा देती हूं। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड टर्म्ड एज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन जो क्रिया है मैंने आपको बताया, सरफेस फिनोमिना है, और यहां पर क्या होता है, एक्युमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। तो सपोज करिए कोई सॉलिड, मैंने आपको मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया था कि मान लो उस मॉलिक्यूल के ऊपर पानी जो है वो अंदर जा नहीं सकता, मैंने एग्जांपल लिया था। तो मान लीजिए कोई सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड है, उसके ऊपर जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है या मॉलिक्यूलर जो है वो ओनली जो है उसके सरफेस पर ही रह सकती है, सरफेस पर ही इकट्ठी होंगी, उसके बल्क यानी अंदर का जो गुद्दा होता है बल्क के अंदर नहीं जाएंगी, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, ये बल्क में भी जा रही थी, एड्सॉर्प्शन में बल्क में नहीं जा रही थी। आप इस प्रोसेस को दोबारा मैं आपको बता रही हूं ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ इसके सरफेस पर ही रह के क्रिया करेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दो टर्म समझाने जा रही हूं, जो ये मॉलिक्यूल है जो सॉलिड के ऊपर आके इकट्ठा हो गए हैं, सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो गए हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, दो टर्म मैं आपको समझा रही हूं, इन्हें हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट, जो दूसरे सब्सटेंस पर जाकर फैल जाती है उसके सरफेस पे। तो ये मॉलिक्यूल फैल रहा है उसके सरफेस पे, उसे हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट। और जिसके सरफेस के ऊपर, जिस सब्सटेंस की सॉलिड था, सॉलिड के सरफेस के ऊपर ये सारी क्रिया हो रही है ना एड्सॉर्प्शन की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। आप ऐसे समझ सकते हो कि सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट पढ़ा था, तो एड्सॉर्बेंट तो किसकी तरह कार्य करेगा, सॉल्यूट की तरह, और एड्सॉर्बेंट किसकी तरह कार्य करेगा, सॉल्वेंट की तरह। तो आपको इसे समझने में इजी होगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि एड्सॉर्प्शन कहां कहां पाया जाता है,
कुछ 3-4 एग्जाम्पल हम उसके लेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एडसॉर्प्शन कहाँ कहाँ और पाया जाता है। ये देखिए स्टार्ट करते हैं, अब हम पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन इन एक्शन कि क्या क्या चीजें हमारे आसपास होती हैं या क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि एडसॉर्प्शन दिखता है, एडसॉर्प्शन की क्रियाएं दिखती है। तो देखिए पहला जो है मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करिए मैंने एक वेसल लिया है, ठीक है, ये क्लोज्ड वेसल है सपोज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है ऑलरेडी, इसके अंदर है पाउडर्ड चारकोल। क्या क्या लिया है हमने, एक तो एक ले रहे हैं हम उस करिए, इसके अंदर हमने लिया पाउडर्ड चारकोल, पाउडर्ड है ये, उसके मैं कण बना रही हूं, पार्टिकल्स बना रही हूं, ठीक है। ये क्या है हमारा, पाउडर्ड चारकोल, ठीक है, पाउडर्ड चारकोल है। अब आप देखिए, अब हमने क्या किया, ऑलरेडी इसके अंदर क्या क्या और मौजूद है, गैसेस है, कौन सी गैसेस, O2, H2, ठीक है, और अमोनिया, ऐसे करके बहुत सारी गैसेस इसके अंदर है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या होता है, ये क्लोज्ड वेसल हमने लिया था, सपोज करिए पहले हमने क्लोज्ड वेसल लिया, उसके अंदर हमने पाउडर चारकोल ले लिया, उस टाइम हमने गैस इसके अंदर नहीं डाली थी, तो प्रेशर था P1, ठीक है। जैसे ही हमने इसके अंदर गैस डाली तो प्रेशर क्या आया, जो प्रेशर आया ना वो इस P1 से कम आया, मतलब जो प्रेशर आया, मान लो बाद में जो प्रेशर आया वो P2 था, और वो जो है P1 जो पहले प्रेशर था उससे कम आया। अब प्रेशर कम कैसे हुआ, जैसे ही हमने इन गैसेस को इसके अंदर डाला तो प्रेशर कम कैसे हुआ, क्या हुआ, जो ये पाउडर्ड चारकोल है इनकी सरफेस पे, इनके सतह पर जो ये गैसेस थी ये सारी बैठकर उसकी सतह पर आ गई, इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड, आर एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द पावर चारकोल, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे में जब ये सारी गैसेस इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर सतह पर आके बैठ गई तो कौन सी क्रिया हुई, एब्जॉर्प्शन की। और ऐसे केसेस में जो प्रेशर था वेसल के अंदर, जो गैस का प्रेशर था वो कम हो गया, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन इन एक्शन। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, ये पहला एग्जाम्पल था, मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक डाई, क्या है, ऑर्गेनिक डाई, ठीक है, और क्या क्या है, पहला तो ऑर्गेनिक डाई है और क्या क्या है, एनिमल चारकोल, ये दो चीजें हैं। सबसे पहले उसके अंदर चारकोल है और ऑर्गेनिक डाई, ये दो चीजें हैं। हम क्या देखते हैं, जैसे ही इन दोनों का अट्रैक्शन होता है, या मैं कहूं जैसे ही ऑर्गेनिक डाई के अंदर हमने एनिमल चारकोल डाला तो क्या होता है, ये जो इनका मिक्सर है वो पहले, ऑब्वियसली बात है डाई का मतलब कलरफुल थी वो चीज, ठीक है ना, कलरफुल थी पहले। जैसे ही इन दोनों का अट्रैक्शन होता है, जैसे मैं बात करूं एनिमल चारकोल को हम ऑर्गेनिक डाई के अंदर डालते हैं, तो जो कलर होगा ना इसका वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो ये क्या हो रहा है, यहां पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि जो एनिमल चारकोल था उसकी सरफेस पे ऑर्गेनिक डाई जो है क्या क्रिया कर रही है, एब्जॉर्प्शन की, मतलब उसके सरफेस पे आकर जो है वो बैठ गई है। और जब एनिमल चारकोल ने सारी ऑर्गेनिक डाई अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर ली, क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, तो जो बाकी जो कलर था सॉल्यूशन का वो कैसा हो गया, कलरलेस, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। तीसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जो रॉ शुगर होती है, जो बेसिक शुगर होती है वो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, जब उसको, और उस ब्राउन कलर की शुगर को हम बाद में प्योरीफाई करके कलरलेस बनाते हैं या फिर वाइट बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। क्या होता है, जो ब्राउन शुगर होती है, या मैं बोलूं इम्प्योर शुगर होती है, ठीक है, जिसे हम रॉ शुगर भी बोलते हैं,
रॉ शुगर जो होती है बेसिकली इम्प्योरिटीज होती है इसके अंदर, तो ब्राउन कलर की होती है। तो क्या होता है, इनको जो एनिमल चारकोल होता है उसके जो बेड्स होते हैं एनिमल चारकोल के बेड्स के ऊपर से पास किया जाता है किसको, रॉ शुगर को। और जैसे ही एनिमल चारकोल के ऊपर से इसको पास किया जाता है तो ये क्या हो जाती है, कलरलेस। क्या हो जाती है ये, कलरलेस। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, जो एनिमल चारकोल है वो जितनी भी रॉ शुगर की इम्प्योरिटीज है, या मैं बोलूं जो वो कलर है ब्राउन कलर, उसको अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड करके चला जाता है। ठीक है, और हमारी जो रॉ शुगर होती है वो कैसी हो जाती है, कलरलेस यानी प्योर। तो ये भी एक एग्जांपल है। मैं आपको सारे एग्जांपल करवाऊंगी जो भी एनसीईआरटी में दे रखे। फोर्थ एग्जांपल है एयर के अंदर। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता है ना, मॉइस्ट तभी तो होता है। जब भी आप देखेंगे, सपोज करिए एक पर्टिकुलर जगह पे जो है, हमने देखा क्या हो रहा है वहां पे, कि जब भी एयर के आसपास, या फिर हम बात करेंगे सिलिका जेल, जब भी हम सिलिका जेल को रखते हैं हवा में उस पर्टिकुलर एरिया में, या मैं बात करूं एक वेसल में ही ले लीजिए कि हवा भरी पड़ी है एक वेसल में और उस हवा के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे ही मैं सिलिका जेल उसके अंदर डाल दूंगी और बंद कर दूंगी ना, तो आप देखोगे कि उस एयर के अंदर से, उस पर्टिकुलर वेसल की एयर के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल गायब हो चुके होंगे। वो एयर एकदम सूखी होगी, क्यों, क्योंकि सिलिका जेल ने वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे इकट्ठा कर लिया है, या मैं बोलूं वाटर मॉलिक्यूल्स सिलिका जेल के सरफेस पे इकट्ठे हो गए हैं, और क्या क्रिया हो गई, एड्सॉर्प्शन की क्रिया हो गई। ठीक है ना, और एयर क्या हो गई, एकदम सूखी। ठीक है, तो ये कुछ एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स थे।